जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो चल रही होगी बढ़िया तरीके से। दोस्तों, आप सभी लोग ये सवाल पूछते हो कि हाँ सर, री एग्ज़ाम कब होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, लेकिन आप सभी लोग ये कभी नहीं पूछते हो कि हाँ सर, री एग्ज़ाम तो हो जाएगा, लेकिन सर जो हमारी तैयारी चल रही है इसमें कुछ कमी है, तो सर इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कोई सजेशन हो सकता है आपकी तरफ से, जबकि ये सवाल आपको यहाँ पर पूछना चाहिए। देखो, आपका री एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे पढ़ाई से लेकर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आप सभी के दिमाग में यहाँ पर चलते रहते हैं, तो उन सभी को आज हम यहाँ पर आंसर करने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो भाई, तैयारी में क्या है कि आप सभी लोग इसके पहले एग्जाम दे चुके हो, तो आप सभी की तैयारी एक बार हो चुकी है। जिस किसी की भी कम रह गई है उसने अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लिया होगा। और मैं एक बात बता दूं कि अगर आप ये सोच लो कि नहीं, एग्जाम डेट आ जाएगी तभी हम पढ़ेंगे, तो देखो भाई, फॉर्म कितने बच्चों ने भरा है ये आप सभी लोग जानते हो। एग्ज़ाम सभी लोग वहां पर देने वाले हैं, लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो आप सभी को पता है कि 60,244 पद हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा बच्चों का वो इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, जबकि तैयारी सब कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो 60,244 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला, आखिर वो कौन है, वो किस तरीके से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, आप हो उनमें से कि नहीं हो, ये आपको आज ही तय करना पड़ेगा। ये आपकी मेहनत बताएगी कि जितने पद यहाँ पर हैं उनमें से आपका नाम है या नहीं है, और वो जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में भी होना बहुत जरूरी है, तभी आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। तो देखो, दो बातें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये होता है कि हम जब अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं, तो फिर वहां पर पहले तो हम अपनी चीजों को कवर करते हैं, जो भी हमारा सिलेबस होता है सबसे पहले उसको हम पढ़ते हैं, और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में मेन चीज होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में दो बातें यहां पर आती हैं बच्चों के सामने। कुछ बच्चों का ये मन होता है कि हम प्रीवियस ईयर को लगाते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जो भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें मॉक टेस्ट अवेलेबल कराते हैं, मॉक टेस्ट किसका बेहतर रहेगा इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मॉक टेस्ट दें या फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं। तो देखो, यहाँ पर मैं आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर कर दूँ। अगर आपके पास PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं, और आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो इतनी शिफ्ट होती हैं कि अगर आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर को ही लगा लो तो वही आपका एग्जाम तक PYQ खत्म नहीं होगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल जाते हैं। PYQ लगाना आपके लिए बेहतर है या फिर मॉक टेस्ट देना बेहतर है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म के हो सकते हैं, या प्रैक्टिस सेट की जो भी बुक आती है उसको लगाना आपके लिए यहां पर बेहतर है। देखो, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, वो चाहे आपके पास प्रिंट में रखे हुए हो या फिर PDF उसकी हो, तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही लगाओ, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों बेहतर रहेगा? क्योंकि यहाँ से क्या होता है ना कि आपको ये समझ में आ जाता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की जो मानसिकता है वो क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर बनते हैं, जो कंपनी एग्जाम कराती है वो किस लेवल का एग्जाम कराती है, ये सारी चीजें आपको वहां पर समझ में आएंगी, जो कि रियल है। जब आप किसी का मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी उस पेपर को सेट करता है वो अपने अकॉर्डिंग वहां पर सेट करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हाँ वो क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं या उस लेवल का नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें रियल नहीं हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो हम वहीं से प्रैक्टिस करते हैं कि हमने जितना पढ़ा है वो सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं, अगर बहुत सारे हैं आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर, फिर आप तो उनको ही लगाइए, आपको किसी का भी मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन जाकर के मॉक टेस्ट देते भी हैं तो वहां पर भी जो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस पेपर हों आप उन्हीं को लगाइए। जैसे हम टेस्ट बुक की बात करें तो टेस्ट बुक में आपको PYQ के क्वेश्चंस पेपर मिल जाते हैं, तो आप वहां पर उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको बहुत कुछ वहां पर सीखने को मिलेगा। या कोई अदर प्लेटफॉर्म जहां से भी आप मॉक टेस्ट देते हैं और वहां पर अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर मॉक टेस्ट के रूप में मिल रहे हैं, तो भाई आप उनको पहले लगाओ, और उसके बाद में अगर आपके पास PYQ खत्म हो जाते हैं तो भाई आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को या किसी भी मॉक टेस्ट को लगा सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी को करते हो तो मुझे लगता है कि आपकी जो तैयारी है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। और इसके बाद में हम बता दें आपको कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक उसके होने की पॉसिबिलिटीज है। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि भाई आप लोग जुलाई मान करके चलिए कि जुलाई में आपका एग्जाम होगा, और अभी भी वही है कि जुलाई ही आपका फिक्स है। जब तक कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं होती है भर्ती बोर्ड की तरफ से, तब तक आप जुलाई को मान करके अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि जून में आपका कुछ नहीं हो सकता है। ये है कि जून के लास्ट तक आपको कोई ना कोई नोटिस जरूर देखने को मिलेगा कि हाँ जो आपको जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है, लेकिन जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने के चांस ज़्यादा हैं, तो इसलिए जुलाई को मान करके आप अपनी तैयारी को करिए। और जुलाई आने में भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करिए, क्योंकि पेपर आपका जुलाई में हो या पेपर आपका जून में हो,
अगर आपकी तैयारी नहीं है तो भाई आपका सिलेक्शन वहाँ पर नहीं होगा। और जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हो कि वर्दी आपको मिले और ये जो 60,244 पद हैं इनमें आपका एक नाम हो, तो भाई उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी मित्रों के साथ में। जय हिंद।